दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स के बारे में कि फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में वेडनेसडे के दिन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमने जो एक लेवल को आइडेंटिफाई किया था कल के दिन, उन्हीं लेवल से फाइनेंस निफ्टी एक शानदार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया और वहाँ से उन्होंने एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिला है। आज फाइनेंस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और इसमें फाइनेंस निफ्टी में आज एक तगड़ा मूव हमें देखने को मिला है। तो अब हम बात करते हैं कि वेडनेसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एनजेवन एप्लीकेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी को ऐड करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइनेंस निफ्टी को ऐड करने के बारे में आपको बताते हैं कि फाइनेंस निफ्टी आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एनजेवन एप्लीकेशन पर आना है और एनजेवन एप्लीकेशन पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो बैंक निफ्टी के साइड में एक एरो का साइन है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमें यहाँ पे हम कोई भी दो इंडेक्स को रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी को रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर अनचेक कर दूंगा, फाइनेंस निफ्टी के ऊपर चेकमार्क लगा दूंगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने दो इंडेक्स आ जाते हैं, एक निफ्टी इंडेक्स और एक फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स। अब मुझे यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस करना है तो मैं फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करता हूं तो फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में जो भी यहां पे स्टॉक्स आते हैं उनकी जानकारी मिल जाती है और नीचे आपको चार्ट का एक ऑप्शन और एक नीचे ऑप्शन चेंज देखने को मिलता है। तो जैसे हमें चार्ट का एनालिसिस करना है तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फाइनेंस निफ्टी का चार्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल वेडनेसडे के दिन क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फाइनेंस निफ्टी के जो हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया था, इसी लेवल पर आज फाइनेंस निफ्टी ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आया। जैसे कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि फाइनेंस निफ्टी 19,400 से लेकर 19,500 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो आज यही देखने को मिला कि फाइनेंस निफ्टी जो था ये 19,460 के प्राइस से ऊपर तक के जाता हुआ देखने को मिला और उसके बाद से इसके अंदर जो एक शानदार गिरावट हमें देखने को मिली है। तो फाइनेंस निफ्टी जो हमने एक लेवल को आइडेंटिफाई किया था जो कि एलएम इंडिकेटर था, जो 19,240 के आसपास का था, यहाँ तक के फाइनेंस निफ्टी हमें स्लिप होता हुआ नजर आया है। अब बात आती है कि कल का जो दिन है इसमें फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाले हैं। अगर फाइनेंस निफ्टी 19,240 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो वापस से हमें इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है और इसके बाद फाइनेंस निफ्टी में हमें 19,300 से लेकर 19,350 और 19,400 के ऊपर साइड के लेवल हमें इसमें इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। और अगर फाइनेंस निफ्टी 19,240 के लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे स्लिप होता है, तो इस कंडीशन में हमें फाइनेंस निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और फाइनेंस निफ्टी 19,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो फाइनेंस निफ्टी में 19,200 का या लेवल ब्रेक होने के बाद 19,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक कि हमें फाइनेंस निफ्टी स्लिप होते हुए नजर आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड का एक मिडिल बैंड है जो कि आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ तक के फाइनेंस निफ्टी स्लिप हो सकता है, मतलब कि फाइनेंस निफ्टी 18,950 के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक के हमें स्लिप होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें वेडनेसडे के दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर फाइनेंस निफ्टी में हम यहाँ पे बात करते हैं एमएसडी इंडिकेटर में, तो एमएसडी इंडिकेटर में भी यहाँ पे एक डाउन का एक मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनेंस निफ्टी में एमएसडी इंडिकेटर जो है ये काफ़ी ऊपर साइड से, मतलब कि ओवरबॉट लेवल से ये नीचे डाउन आता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे हमें नेगेटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलता है तो फाइनेंस निफ्टी में यहाँ पे गिरावट भी बनती हुई देखने को मिलेंगी। इस कंडीशन में अगर हम ऑप्शन चेन के साथ जाना चाहते हैं, ऑप्शन चेन में हम देखना चाहते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि अभी जो आज मार्केट में एक्सपायरी देखने को मिली है 9 मई की, तो हम यहाँ पे 16 मई की ऑप्शन चेन पे आएंगे और 16 मई की ऑप्शन चेन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इस कंडीशन में अभी जो फाइनेंस निफ्टी चल रहा है ये 19,274 पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है इस पे आ जाएंगे। और अगर हमें फाइनेंस निफ्टी में अगर लगता है कि तेज़ी फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स में बन सकती है, तो इस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन जो है ये 19,200 का कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम तेज़ी बनती है तो कॉल के साथ जाते हैं। और अगर हम मंदी की पोजीशन बनाना चाहते हैं या हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में गिरावट आ सकती है, तो इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन के साथ जाते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे 19,200 का कॉल जो कि एक अच्छा लगता है इसके साथ जा सकते हैं, 19,300 का कॉल भी अच्छा लगता है इस कॉल ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, और 19,400 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ये भी अच्छा लगता है। इन तीन स्ट्राइक प्राइस के साथ हम पोजीशन बना सकते हैं। इस समय पोजीशन हम तब बनाएंगे जब हमें लगेगा कि फाइनेंस निफ्टी में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में गिरावट आ सकती है, फाइनेंस निफ्टी में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे और पुट के साथ जो पोजीशन बनाएंगे इसके लिए 19,000
400 का स्ट्राइक प्राइस का पुट एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस लगता है, और 19,300 से लेकर 19,200 का स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छे लगते हैं। इन ऑप्शन के साथ जाके हम यहाँ से अपने मंथ की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब कि दोनों ही साइड में हमें बाई करना होता है। अब जैसे कि अगर हमें लगता है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, फाइनल निफ्टी 19,240 का लेवल ब्रेक करके नीचे आ सकता है और 19,000 का लेवल दिखा सकता है, तो इस कंडीशन में हमें जैसे कि पोजीशन बनाना है तो हम 19,300 का स्ट्राइक प्राइस का पुट के साथ जाना चाहेंगे। और यहाँ पे हम LTP पे क्लिक करते हैं। LTP पे क्लिक करने के बाद नीचे साइड में एक बाय की बटन और एक सेल की बटन देखने को मिलेंगी। हमें यहाँ पे बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट मेंशन करना है। आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लॉट साइज मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल लॉट के लिए ऑर्डर लगाना चाहूँगा, और यहाँ पे सिंगल लॉट में 40 क्वांटिटीज आती है, और एक लॉट में यहाँ पे करंट प्रीमियम के साथ अगर ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ पे जो मार्जिन लगेगा ये 6,280 का लगेगा। चार्जेस हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद बाय ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना होता है, और बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म पूछा जाता है। हमें यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। अभी मार्केट बंद है इसे हमारा ऑर्डर जो है आफ्टर मार्केट लगेगा। यस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो दोस्तों इतना इजी इतना आसान हो जाता है एंजेवन एप्लीकेशन को यूज़ करना और यहाँ पे ऑर्डर लगाना। दोस्तों यहाँ पे जो भी जानकारी बताई गई है ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज पे है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्टॉक में या ऑप्शन में बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल बन के साथ ओपन नहीं किया है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ की शानदार सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए, तब तक के नमस्कार।